हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल एसएस फाउंडेशन। तो आज हम क्लास 10 हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, उसका आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग पे बात करेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। रोमांटिज्म वॉज ए कल्चरल मूवमेंट। जो रोमांटिज्म था वो एक कल्चरल मूवमेंट था विथ सॉट टू डेवलप ए पार्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, जिसका यह मांग था कि एक नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को बनाया जाए। रोमांटिक आर्टिस्ट यूजुअली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द रीजन एंड द साइंस। जो रोमांटिक जो आर्टिस्ट थे वो इसको क्रिटिसाइज करते थे। दे फोकस ऑन द इमोशन, उनका जो मेन फोकस था इन इमोशन पे था, एंड द इंस्टीट्यूशन एंड द मिस्टिकल फीलिंग और रसमय भावनाओं पर था। दे ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव हेरिटेज, वो चाहते थे बनाना एक सामूहिक विरासत को, अ कॉमन कल्चरल पास्ट, जिसका कल्चरल पास्ट सामान्य हो, एज द बेसिस ऑफ द नेशन, अपने नेशन के आधार पे। ठीक है, अदर रोमांटिक्स लाइक द जर्मन फिलोसोफर, दूसरे जो रोमांटिक थे जो जैसे कि जर्मन फिलोसोफर जोहान गॉटफिल्ड हेडर क्लेम दैट, उन्होंने बताया कि द ट्रू जर्मन कल्चर वुड बी डिस्कवर्ड। जो ट्रू जर्मन कल्चर उसको हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं अमंग द कॉमन पीपल में। दिस रोमांटिक्स यूज द फोल्क सॉन्ग, ये जो रोमांटिक्स थे उन्होंने फोल्क सॉन्ग का यूज किया, फोल्क पोएट्री एंड द फोल्क डांसेस, फोल्क पोएट्री और फोल्क डांसेस का यूज किया टू पॉपुलराइज द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। नेशन का जो ट्रू स्पिरिट है उसको पॉपुलराइज करने के लिए इन्होंने फोल्क सॉन्ग, फोल्क पोएट्री और फोल्क डांसेस का यूज किया। द इम्पसाइज ऑन द वेनेक्लोर लैंग्वेज वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू टेक द नेशनलिज्म मैसेज टू द लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर मोस्टली इलिटरेट। उन्होंने यह बताया कि हमको अपने जो मातृभाषा इस पर जोर डालना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए, इस तरह हम लोग बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल मतलब बहुत लोगों के तरह के पास ये मैसेज ले जा सकते हैं जो कि इलिटरेट है। कार्लो कुरपास्की सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ऑपरस एंड म्यूजिक। जो कार्लोस कुरपास्की वो अपना नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किए ऑपरस और म्यूजिक के द्वारा इन पोलैंड। पोलैंड में ही टर्न द फोल्क डांसेस लाइक द पॉपुलराइज एंड मजुरेका इन टू द नेशनल सिम्बल्स। उन्होंने क्या किया कि जो फोल्क डांसेस था उनको नेशनल सिम्बल में उसको दिखाया। लैंग्वेज ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। जो लैंग्वेज था वो भी अपना मुख्य भूमिका अदा किया नेशनलिस्ट सेंटीमेंट के आइडिया को डेवलप करने में। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, रशिया को ऑक्यूपाई करने के बाद द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ द स्कूल। जो पोलिश लैंग्वेज था उसको स्कूल से उसको हटा दिया गया एंड रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। और जो रशियन लैंग्वेज था उसको चारों तरफ उसको इम्पोज कर दिया गया। एंड आर्म रिबेलियन टुक प्लेस अगेंस्ट द रशियन रूल इन 1931। जो विद्रोह की भावना थी वो रशियन रूल्स के खिलाफ 1831 में शुरू हुआ। बट दिस वॉज अल्टीमेटिकली क्रश, लेकिन इसको तुरंत ही दबा दिया गया। बट आफ्टर दिस, लेकिन इसके बाद मैनी मेम्बर्स ऑफ क्लर्जी, लेकिन बहुत जो मेम्बर थे क्लर्जी के इन पोलैंड में बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज ए वीपन। जो लैंग्वेज को एक हथियार की तरह यूज करना शुरू कर दिया ऑफ द नेशनल रेजिस्टेंस की तरह। इन ऑल चर्चेस गैदरिंग एंड इन ऑल द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पोलिश वॉज यूज। सारे जो चर्च में जो रिलीजियस के इंस्ट्रक्शन मतलब धर्म का जो उपदेश दिया जाता है उसको पोलिश लैंग्वेज में प्रिस्ट लोग देते थे। द रशियन अथॉरिटी पुट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रिस्ट एंड बिशप इन जेल। इसके कारण बहुत सारे नंबर में जो प्रिस्ट थे, बिशप थे, उसको जेल में डाल दिया गया और सेंड देम टू द सिबेरिया एज द पनिशमेंट, और उसको सिबेरिया पनिशमेंट के रूप में भेज दिया जाता था फॉर देयर रिफ्यूजल टू पीच इन रशियन। रशिया लैंग्वेज में धर्म के उपदेश देने नहीं देते थे, इस कारण उनको वहाँ पर भेज दिया जाता था। इन द यूज ऑफ पोलिश के यूज में दस बिकम ए सिम्बल ऑफ द स्ट्रगल एंड द अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। जो पोलिश लैंग्वेज था वो रशियल जो अधिपत्य था उसके खिलाफ एक सिंबल बन गया उस लड़ाई में। तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय बाय इन द नेक्स्ट लेक्चर।